Hi children, how are you? Welcome to this video class. उस कविता पाठ के अभ्यास पाठ का स्पष्टीकरण चल रहा है. चलिए पाठ में इस भाग स्पष्टीकरण हो गया यह देखेंगे. तुम्हारी कल्पना अगले पेज में है. देखिए बच्चे, तुम्हारी कल्पना इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं. इनकी शोभा निरख निरख कर, किसकी शोभा निरख निरख कर? उसकी शोभा, उसकी सुंदरता, ऐसा देखने से, ध्यानपूर्वक देखने से उस पर एक कविता बनाना चाहता है कवि. उस कणों को ऐसा ध्यानपूर्वक देखने से एक सुंदर कविता लिखना चाहता है कवि. उसकी सुंदरता पर एक कविता बनना चाहता है. यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते? आप इस तरह कवि के स्थान पर है तो कौन सी कविता बनाते? किस चीज़ पर कविता बनाना चाहते हैं आप? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ. आपके मनपसंद विषय पर एक छोटी सी कविता बनाइए. मौसम की बात, तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है? आपके विचार से आप बताइए बच्चे, किस मौसम की कविता, उस कविता किस मौसम की कविता हो सकती है? गर्मी का या वर्षा का? इस तरह इधर लिखिए जवाब. तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं उसकी सूची बनाओ. आपके प्रदेश में आप किस जगह पर रहते हैं, किस प्रदेश में रहते हैं आप? आपके प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं, एक सूची बनाओ. इस तरह इधर सूची लिखिए, वर्षा ऋतु, गर्मी, इस तरह ऋतुओं का नाम इधर लिखिए. तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है? कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है? आपके मन के पसंद आने वाली एक मौसम का नाम लिखिए और नाम इधर लिखिए. आपको क्यों उस मौसम क्यों पसंद है आपको इधर लिखिए. मुझे है तो वर्षा का मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वर्षा में भीगना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे वो अच्छा, वो सबसे अधिक पसंद है. अधिक आपके इस तरह मेरी मनपसंद मौसम वर्षा, वर्षा आपके मनपसंद मौसम, मौसम के बारे में इधर लिखिए, मौसम का नाम इधर लिखिए अंजलि में. जी होता इन वो सुकनों को अंजलि में भर कर ले आऊं. कवि को मन को ऐसा लगा कि उन वो कणों को इस तरह अंजलि में भरकर घर ले जाना चाहता है. उन वो कणों को इस तरह अंजलि में भरकर घर ले जाना चाहता है कवि को. कवि को ऐसा लगता है कवि उसको अपने अंजलि में भरना चाहता है. तुम नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को अपनी अंजलि में भर सकते हो? कवि कवि उसको अपने अंजलि में भरना चाहता है. कवि है तो तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों का अपने अंजलि में भर सकते हो? इधर कुछ चीज़ों के नाम लिखिए. देखिए, रेत, ओस, धुआं, हवा, पानी, तेल, लड्डू, गेंद, इस तरह कुछ चीज़ें हैं इधर. इनका अर्थ आप जानकारी प्राप्त करिए, मैं नहीं बताऊंगी. सही का चिन्ह लगाओ. किस चीज़ को इस तरह आप आपके अंजरे में, रेत का मतलब है सैंड, इस तरह सैंड को आपने अपने अंजरे में भर सकते हो क्या? भर सकते हैं इस तरह, इसलिए मैं इधर सही का चिन्ह लगाई. इस तरह आप करिए. यह उलट फेर, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ?
हरी घास पर कौन बिखेर दी है मोती की लड़िया जैसी ओस कणों को, कौन इस तरह हरी घास पर बिखेर दी है। ऊपर दी पंक्तियाँ, दो पंक्तियाँ दी है ना, देखिए ऊपर दी पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है। ऊपर की पंक्तियाँ उलट फेर कर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह किस तरह लिखने पर भी हम एक ही मीनिंग आना, एक ही अर्ध नहीं बदलना, किस तरह लिखने पर भी उस वाक्य का अर्ध नहीं बदलना, इस तरह ही इन दोनों वाक्यों को हम इधर इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे लिखी पंक्तियों में उलट फेर कर तुम भी उसे अपने ढंग से लिखो। इस तरह नीचे लिखी पंक्तियों में उलट फेर कर तुम भी उसे अपने ढंग से लिखो। इधर दो पंक्तियाँ दिए, इधर दो पंक्तियाँ दिए, इस तरह इन दो पंक्तियों को इस तरह एक पंक्ति में उलट फेर कर लिख सकते हैं हम। इस तरह इन दो पंक्तियों को एक पंक्ति में और इन दो पंक्तियों को एक पंक्ति में उलट फेर कर इधर लिखिए बच्चे। बच्चे मैं पाठ्यपुस्तक में जो कुछ लिखने के लिए दिए वो पूरा कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।